हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे अपने इस चैनल में गार्डनिंग विथ रीना। मैंने फ़र्स्ट टाइम प्लांट्स मीसो से ऑर्डर किया है। मीसो से मैंने आज तक कभी कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, तो मैंने ट्रायल के लिए ये कुछ प्लांट्स ऑर्डर किए हैं। इसका जो ऊपर का ऐसे आप देख रहे खुला, वो जो मुझे रिसीव हुआ तब ऐसे ही रिसीव हुआ था, ऊपर से वो खुल चुका था, तो मैंने उसको फिर वैसे ही रखा हुआ है। प्लांट्स पर कुछ डैमेज नहीं हुए हैं, ऊपर से तो देखकर बिल्कुल सही ही लग रहे हैं, और साइड में देख सकते हैं कि कैसे करके इसमें होल्स बने हुए हैं और इसके अंदर में क्रोटोन के प्लांट्स हैं। जो भी लिंक और प्राइस 170 रुपीज़ लगा था, शिपिंग इंक्लूड करके 170 रुपीज़ में मुझे 4 क्रोटोन के प्लांट्स मिले थे, और इनको अभी अनबॉक्स कर लेती हूँ आपके साथ। देखिए कि किस टाइप से उन्होंने पैकिंग की है, कार्टन को ऐसे फोल्ड करके और उसको सेलो टेप से लगा दिया गया है। एक्चुअली मैं उड़ीसा से हूँ और ये जो प्लांट्स आए हैं ये कलकत्ता से आए हैं, तो वेस्ट बंगाल से मेरे पास आने में प्लांट्स को 3 से 4 डेज़ लगता है। तो 3 से 4 डेज़ में मोस्टली सभी जो वेस्ट बंगाल से अगर प्लांट्स आते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे होते हैं, क्योंकि उड़ीसा से लगा हुआ है वेस्ट बंगाल। पर अगर आप वेस्ट बंगाल से बहुत दूर हैं तब आपको ये प्लांट्स कब तक मिलेगा वो मुझे मैं बता नहीं सकती हूँ, तो आप सोच कर ही परचेज कीजिएगा। और लोकेशन एक्चुअली मीशो में कुछ पता नहीं चलता है कि कौन सेलर कहाँ से भेज रहा है, मुझे भी पता नहीं था। जब मुझे रिसीव हुआ तब मुझे पता चला कि ये जो प्लांट्स है वो वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि प्लांट्स तो ठीक ही होंगे अगर वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं नीचे से जो प्लांट्स हैं उनको पॉली बैग में बांधा हुआ है, और उनको भी सेलो टेप से अच्छे तरीके से नीचे लगा दिया गया है ताकि वो हीले नहीं, प्लांट इधर उधर डैमेज ना हो। कुछ एक दो प्लांट सूख गए हैं, ख़राब हो गए हैं, कोई बात नहीं, उनको रिमूव करके अभी इसको पूरा फंगीसाइड मैं रूट्स में भी दे दूँगी और स्प्रे भी कर दूँगी फंगीसाइड का वाटर को। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, 4 क्रोटोन प्लांट्स हैं। ये 4 प्लांट्स है, वो देख रहे हैं कि प्लांट की साइज़ थोड़ी छोटी है, इसको ग्रोथ होने में लगभग 6 मंथ्स तो लग जाएंगे, पर 170 रुपीज़ में आप और क्या ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। घर बैठे आपको इतने में मिल रहा है प्लांट, और ये 4 वैराइटीज़ के भी क्रोटोन हैं। तो चलिए इसको रूट्स में निकाल के दिखाऊंगी कि किस टाइप के इसके रूट्स बॉल है। तो सबसे पहले ब्लैक कलर का छोटे छोटे पॉलीथीन में इनको बांध के रखा गया है, उसके अंदर में वेस्ट बंगाल का जो सॉइल होता है क्ले सॉइल, मोस्टली उसी में ही प्लांट्स लगे हुए होंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल से जो भी प्लांट्स आते हैं वो उसी तरह के होते हैं, जो चिकनी मिट्टी होती है उन्हीं में उन लोग लगाते हैं। तो 1 by 1 इसको अभी रिपोर्ट करूँगी, तब मैं खोल के दिखाऊँगी कि रूट्स कैसे हैं, और इनको अभी पॉटिंग का आपको बताऊंगी कि पॉटिंग कैसे करना है। पॉटिंग मिक्स में मैंने ले लिया है, ये 2 पॉट में मैंने ले लिया है मिट्टी को, ये थोड़ा सैंडी सॉइल क्रोटोन को पसंद है तो इसमें सैंड मिक्स है, ज़्यादा कॉम्पोस्ट मैंने नहीं मिक्स किया है, क्योंकि ना ये फ्रूटिंग है ना फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसमें ज़्यादा कॉम्पोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने नीम खली इसमें मिक्स कर लिया है, जिससे कि सॉइल में अगर कुछ भी फंगस या फिर इंसेक्ट्स होंगे तो उनसे प्लांट सेव हो पाएगा, प्लांट को बचाया जा सकता है, तो आपको भी नीम खली का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो मेरे 4 मिट्टी के पॉट्स लिए हैं, क्योंकि मिट्टी के पॉट्स में आप क्रोटोन बिगनर्स अगर है या फिर आप क्रोटोन ख़राब हो रहा है तो मिट्टी का पॉट इस्तेमाल कीजिए, और पहले छोटे पॉट से इस्तेमाल कीजिए। तो इसमें 4 और 6 इंची के पॉट्स हैं, 2 4 इंच और 2 6 इंची के पॉट है। तो ये देखिए ग्रो बैग में ये लगा हुआ प्लांट आया है, ये सॉइल के साथ है, इसको रूट्स भी बाहर आप देख सकते हैं, इसको कट करके मैं दिखाती हूँ। रूट्स जब बाहर दिख रहे हैं तो पता है कि ये कुछ कटिंग नहीं है, मतलब ये एक्चुअली प्लांट्स ही भेजा गया है। मैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप कहीं मार्केट भी जाते हैं तो उधर से भी आपको आजकल ऐसे ही थोड़े प्लांट मिलेंगे, 50 रुपीज़ में आपको क्रोटन प्लांट्स मिल जाते हैं, बट इसमें आपको घर ला के भी प्लांट्स मिले हैं, और वो भी मात्र 170 रुपीज़ में 4 प्लांट। मेरी बेटी यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही है, उसको भी थोड़ा आजकल मेरे साथ गार्डनिंग करने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी मेरे साथ थोड़ा लग जाती है। ये 6 इयर्स की है, अभी छोटी है पर फिर भी अच्छे से कर लेती है।
इसी तरह मैं उसको गाइड कर रही हूँ और वो प्लांट्स को लगा रही है। देखिए ये दूसरा जो प्लांट है उसको भी मैं दिखा देती हूँ। सभी प्लांट्स की जो रूट है वो बहुत ही अच्छे थे, इसमें भी रूट्स बाहर निकले हुए हैं, नीचे भी बाहर देख सकते हैं, और ये येलो और ग्रीन कलर के इसके लीव्स हैं। तो इनको ये सब बहुत ही कॉमन वैरायटी है, कुछ कॉस्टली ये सब वैरायटीज़ नहीं है। कॉस्टली वैरायटीज़ अगर जो रेयर वैरायटीज़ है वो थोड़े कॉस्टली मिलेंगे, तो वो मीसो में मुझे नहीं दिखे। इस टाइप से ही कॉमन जो वैरायटीज़ है वही मीसो में मिल रहे हैं, जो कि नॉर्मल हर नर्सरी में भी मिल जाता है। बट मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस करना था कैसा प्लांट है, इसलिए मैंने परचेज़ कर लिया। बस इसी तरह मैं सभी प्लांट्स को लगा लेती हूँ। लगाने के बाद फिर इसे वाटरिंग करके और अभी कुछ दिनों के लिए मैं शेड में ही रखूँगी, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है और ओवर वाटरिंग की वजह से हो सकता है कि ये प्लांट ख़राब हो सकता है। और इसके रूट बॉल में क्ले सॉइल भी दिया हुआ है, उसको मैं भी डैमेज नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने क्ले सॉइल के साथ ही वैसे ही बिना डैमेज के उसके रूट बॉल को लगा दिया है पॉट में। और इसके बाद जब 6 मंथ्स के बाद इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तब मैं इसे फिर थोड़े बड़े पॉट में लगाऊंगी। तो बस इसी तरह सभी प्लांट्स को आपको भी लगा लेना है। और अभी कोई भी प्लांट लगाएंगे तो उसे धूप तो वैसे उतनी हो नहीं रही है, बट फिर भी उसको बारिश से थोड़ा सा बचा के रखें, जिससे कि ओवर वाटरिंग ना हो जाए। और प्लांट्स बाहर से जब आता है तो वो स्ट्रेस में होता है, तो उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। ये जो कलर है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें जो लीव्स है ये थोड़े बड़े साइज़ के लीव्स होते हैं, और इसके थोड़े चौड़े चौड़े और बड़े बड़े लीव्स होंगे। दो पतले लीव्स वाले हैं और दो चौड़े लीव्स वाले हैं, जिसमें से कि ये सबसे ज़्यादा चौड़ा लीव्स वाला है। तो ये चारों में अभी मैं फंगिसाइड और एप्सम सॉल्ट और ह्यूमिक दूंगी। तो सबसे पहले जो भी फंगिसाइड आपके पास है उस फंगिसाइड को 1 लीटर पानी में मैंने 2 ग्राम जैसा दे दिया। एप्सम सॉल्ट भी लगभग 2 ग्राम जैसा आपको दे देना है, और इसमें थोड़ा सा ह्यूमिक दे देंगे, कुछ ड्रॉप्स ह्यूमिक के भी डाल दूंगी, जिससे प्लांट को स्ट्रेस से बाहर निकलने में आसानी होगी और जल्दी उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। सभी को मिक्स करके डाल दूंगी। छोटे छोटे पॉट्स में मैंने लगा रखा है, तो आप 250 ml इतना काफ़ी होगा, 1 लीटर पानी एनफ होगा ये चारों प्लांट्स के लिए। और अगर उसके बाद पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा प्लेन वाटर डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा प्लेन वाटर को भी मैंने डाल दिया। अब फंगिसाइड को स्प्रे करूंगी, क्योंकि ये प्लांट 4 to 5 days तक पैक्ड था, उसके लीव्स में थोड़े से फंगस भी लग गए थे जो मैंने हटा दिया है लीव्स को, तो इसलिए थोड़ा सा पानी में 1/2 लीटर पानी में फंगिसाइड मिक्स करके मैंने इसको स्प्रे कर दिया है। आपको भी कोई भी प्लांट अगर आप परचेस करते हैं तो उसमें अगर स्पेशली अगर ऑनलाइन मंगवाते हैं तो उसमें फंगिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, जिससे कि प्लांट आपका ख़राब ना हो। फंगस अगर नहीं लगेगा तो प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ भी ले लेगा, और एक बार अगर फंगस का अटैक उसमें हो जाएगा तो उसके बाद प्लांट को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस आप भी ऐसे ही प्लांट्स को लगाइए। सभी प्लांट्स अच्छे हैं, सब मुझे तो अच्छा लगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे, शेयर करें। जिनको क्रोटोन अगर पसंद है और उनके अगर अगल बगल बहुत कॉस्टली मिल रहा है तो इससे ख़रीद सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है।